सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर आते हैं बड़ी खबर पर। हरियाणा में 1 अप्रैल यानी आज से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी मार्केटिंग सीजन 2022 में गेहूं, चना व जौ की खरीद का पैसा फसल की खरीद होने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उन्होंने मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने तथा किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम के पास ही खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का प्रभार भी है। चौटाला ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने जिले में सुनिश्चित करें कि रबी फसलों की बिक्री करने मंडी में आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के जिला उपभोक्ता, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की। वो राज्य की मंडियों में शुरू होने वाली गेहूं, चना व जौ की खरीद के लिए किए गए इंतजाम के बारे में समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं को खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रबंधन करने को कहा है, ताकि खरीद कार्य तेज गति से चल सके। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए हैं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्यौरा के अनुसार किसानों के बैंक खातों को अपडेट करके फसल की राशि 72 घंटे के अंदर अंदर सीमा उनके खाते में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए पेयजल व अन्य सुविधाओं को भी अप टू डेट करने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने मंडियों का दौरा करके फसल खरीद की तैयारियों का जायजा ले लिया है। अधिकारियों ने दुष्यंत चौटाला को जानकारी दी कि सरसों की खरीद 93 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियां तय की गई हैं, चना के लिए 11, वहीं जौ के खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं। इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं को 2,015 रुपये प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपये प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जाएगा। वहीं चौटाला ने बताया कि गेहूं की खरीद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम व भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। इसके अलावा चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड व हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हैफेड एंड हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की जाएगी। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।